हेलो गाइस, Redmi Note 13 Pro को इंडिया पे लॉन्च कर दिया गया है। यहीं पे Realme 12 Pro 29 जनवरी को इंडिया पे लॉन्च होने वाला है। सो यहाँ पे कंफ्यूजन काफी बढ़ चुका है कि दोनों में से कौन सा फोन हमारे लिए बेस्ट होगा, किस फोन को हमें बाय करना चाहिए। सो इसलिए आज हम लोग दोनों फोनों के बीच में फुल कंपैरिजन करने वाले हैं, जानने वाले कि दोनों फोनों में से कौन सा फोन हमारे लिए बेस्ट होगा। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो पे अगर आप लोग नए हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। एंड चलिए हम लोग आज के इस वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं लुक एंड डिजाइन के बारे में कुछ भी बात नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि दोनों फोन अपने अपने अलग अलग एक यूनिक से लुक एंड डिजाइन के साथ आने वाले। अब कौन सा लुक एंड डिजाइन आप सभी को पसंद आता है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन हम लोग स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो सबसे पहले हम लोग दोनों की डिस्प्ले से स्टार्ट करते हैं। Redmi Note 13 Pro में हमें दिया गया 6.67 इंचेस की एक 1.5K रिजोल्यूशन के साथ एक 120 हर्ट्ज वाली फ्लैट एमोलेड डिस्प्ले, कंटेंट वाचिंग को लेकर HDR10+, 12 बिट की कलर सैचुरेशन एंड डॉल्बी विजन जैसे फीचर का सपोर्ट दिया गया। लेकिन यहीं पे अगर Realme 12 Pro की बात करें तो यहां पे 6.7 इंचेस की एक फुल HD+ के साथ 3D बोल्ड कर्व एमोलेड डिस्प्ले दिया गया, जहां पे 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट का सपोर्ट रहने वाला है एंड कंटेंट को लेकर यहां भी HDR10+, 12 बिट की कलर सैचुरेशन एंड डॉल्बी विजन जैसे फीचर का सपोर्ट दिया गया। तो देखा जाए तो डिस्प्ले के मामले में थोड़ा सा बेटर Realme 12 Pro रहने वाला है, क्योंकि यहां पे कर्व डिस्प्ले दिया गया जो कि लोगों को काफी ज्यादा पसंद आने वाला है। अब दोनों फोनों की कैमरास की बात करें तो Redmi Note 13 Pro में दिया गया ट्रिपल रियर कैमरे का सेटअप, जहां पर 200 मेगापिक्सल की प्राइमरी शूटर विद OIS जो कि HP3 वाले सेंसर के साथ आया है एंड 8 मेगापिक्सल की अल्ट्रा वाइड एंगल एंड यही पे 2 मेगापिक्सल की मैक्रो शूटर। जबकि Realme 12 Pro की बात करें तो यहाँ पे भी दिया गया ट्रिपल रियर कैमरे का सेटअप, लेकिन यहाँ पे 50 मेगापिक्सल की प्राइमरी शूटर विथ OIS, जहाँ पे Sony IMX 890 वाले फ्लैगशिप सेंसर को यूज किया गया, जो कि हर फ्लैगशिप फोनों पे यूज किया जा रहा है आज की डेट में। तो देखा जाए तो थोड़ा सा बेस्ट क्लियरिटी एंड ऑप्टिमाइजेशन हमें Realme के मेन कैमरा के साथ देखने को मिलने वाला है। बाकी यहाँ पे भी 8 मेगापिक्सल की अल्ट्रा वाइड एंगल एंड 32 मेगापिक्सल की टेलीफोटो लेंस। तो कैमरास के मामले में मेरे ख्याल से Realme ही आगे जाने वाला है। अब बात करें दोनों फोन की फ्रंट सेल्फी की, तो दोनों पे 16 मेगापिक्सल की सेंटर पंचल वाली सेल्फी दी गई है। तो सेल्फी के मामले में दोनों फोन सिमिलर रहने वाले। अब दोनों फोनों की परफॉर्मेंस की तरफ आते हैं तो Redmi Note 13 Pro आया स्नैपड्रैगन 7S Gen 2 वाले प्रोसेसर के साथ, जिसकी एंटीडू बेंचमार्क स्कोर 5,80,000 के आसपास जाता है। और यहीं पे Realme 12 Pro आने वाला है स्नैपड्रैगन 6 Gen 1 वाले प्रोसेसर के साथ, जिसकी एंटीडू बेंचमार्क स्कोर 5,70,000 के आसपास जाता है। तो देखा जाए तो दोनों की परफॉर्मेंस के बीच में 5-6% का फर्क हमें देखने को मिलने वाला है, लेकिन बेटर की बात करें तो वो हमें Redmi Note 13 Pro के साथ देखने को मिलेगा। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं दोनों फोनों की बैटरी डिपार्टमेंट की तरफ। तो Redmi Note 13 Pro में दिया गया 5120mAh की बैटरी, जहां पे 67 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया। यहीं पे Realme 12 Pro में दिया गया 5000mAh की बड़ी सी बैटरी, जहां पे 67 वाट की चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया। तो यहां पे भी देखा जाए तो 5-6% का ही फर्क हमें देखने को मिल रहा है। Redmi Note 13 Pro में थोड़ा सा बैटरी एमएच ज्यादा देखने को मिला है, लेकिन चार्जिंग स्पीड दोनों के साथ सिमिलर दिए गए। अब दोनों फोनों के अंदर छोटे-मोटे स्पेक्स की बात कर ले तो दोनों पे इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट, डुअल स्टीरियो स्पीकर एंड मल्टीपल 5G बैंड्स के साथ दोनों फोन हमें इंडिया पे देखने को मिलेंगे। तो ये कुछ स्पेसिफिकेशंस वाइज हमें दोनों के बीच में फर्क देखने को मिलने वाला है। अब बात कर ले दोनों फोनों की प्राइसिंग के बीच में क्या कुछ फर्क हमें देखने को मिलने वाला है। तो Redmi Note 13 Pro 8 128GB वेरिएंट को लॉन्च किया गया 25,999 यानी कि 26,000 के प्राइस पॉइंट पे। यहीं पे बताया जा रहा है कि Realme 12 Pro भी आने वाला है इसी सेम प्राइस पॉइंट के साथ। तो असल कंफ्यूजन यहीं पे ही क्रिएट होता है, तो मैं ये कंफ्यूजन अब क्लियर करता हूं। अगर आपको एक बेस्ट डिस्प्ले एंड बेस्ट कैमरा फोन चाहिए तो आप Realme की तरफ जा सकते हो, अगर आपको बेस्ट परफॉर्मेंस एंड स्लिम फोन चाहिए तो आप Redmi की तरफ जा सकते हो। इसके बाद भी अगर आपका कंफ्यूजन क्लियर नहीं हुआ है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। फिलहाल तब तक के लिए चलता हूँ, मिलते हैं अगले फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।